हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज का हॉल है बेकिंग्स के जो बेसिक टूल्स वगैरह होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें बेकिंग करने के लिए, ज़्यादातर उसका हॉल है। एक्चुअली मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और मेरे बेटे को केक खाना बहुत पसंद है, तो मैं बार बार मार्केट से लाने के लिए प्रॉब्लम भी होती है और फिर ये भी होता है कि वो ना जाने किस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे शौक़ भी है तो क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए कम से कम केक तो घर पे बना दूँ, जिससे कि वो चाव से बहुत खाता है। और अक्सर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होता है, ये बर्थडे एनिवर्सरी सबकी, तो उसके लिए भी ज़रूरत होती ही है। तो मैंने मेरे लिए बेसिक्स जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं एक बिगिनर के लिए वो मैंने मंगाया है, तो मैंने सोचा उसको आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जो मेरी तरह से बिगिनर हैं और अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ से ले सकते हैं। होती है वो है ये बीटर, तरह से है ये केक को बीट करने के लिए। स्कारलेट इंग्लैंड इसका है नाम, 7 स्पीड लिखा हुआ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे प्रोडक्ट सारे मेरे अपने खुद के हैं और मैं इसे अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए मैंने मंगाया है, तो इसे मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये 7 स्पीड है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। जिस तरह की स्पीड आपको चाहिए हो आप उस तरह की स्पीड यहाँ से ले सकते हैं। जब मैंने इसे मंगाया था तो ये मुझे मिला था 750 रुपीज़ का या 41 रुपीज़ का, ऐसे ही इसकी प्राइस थी। और बाद में जब मैंने देखा तो एक चीज़ और, जब मुझे लेना था ये तो अवेलेबल ही नहीं था। मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़न कई सारे वेबसाइट पर सर्च किए, मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे उस समय चाहिए था, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला था, तो फिर मैंने अमेज़न पे फिर से चेक किया तो सिर्फ एक ही सेलर के पास ही अवेलेबल था 750 के नियर अबाउट। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने मंगा लिया उसे। उसके कुछ टाइम के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरी रिटर्न पॉलिसी ओवर हो चुकी थी, उसके बाद ये मुझे 500, 450 ऐसे करके समथिंग अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल मिल गया अमेज़न पे ही, बट कुछ कर नहीं सकते थे। तो अभी आपको जब लेना हो तो आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए, इसकी प्राइस वगैरह ड्रॉप हुई होंगी, अभी भी होंगी शायद, तो आप देख लीजिएगा। आपको लेना हो तो यहाँ से इसकी स्पीड यहाँ से चेंज होती है, कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ मुझे मिला है ये दो, आप देख सकते हैं इस तरह का, इसका बीट करने के लिए। और उसके साथ दो मुझे ये अटैचमेंट मिला है नीडिंग के लिए, बट मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है। यहाँ से लगाना होता है, ये देखिए यहाँ से ईजिली बस ऐसे आपको पुश करिए इसे, ये रेडी है यूज़ के लिए। फिर आपको ऐसे यूज़ करना होता है, यहाँ से आप इसके स्पीड को कम ज़्यादा करिए, आराम से ये यूज़ हो जाता है। अब मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसे कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ इट, इसके बारे में मैं करके बता दूँगी। उसके बाद है ये मेजरिंग कप, इसे भी मैंने अमेज़न से ही लिया है। ये 8 पीस का सेट है ये, जिसमें आपको कप मिल जाते हैं और ये जो टेबल स्पून वगैरह करके आप हाफ स्पून 1 स्पून जिससे हमें बेकिंग पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत होती है, इसके लिए 4 आपको स्पून मिल जाता है अलग अलग साइजेस में, 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऐसे करके है ये। और ये है आपको कप मिल जाता है, कप में है ये आपका 1 कप 2/3 कप, 1/2 कप और ये एक छोटा है ये 1/4 कप। तो इस तरह से आपको 8 पीस मिल जाता है। इसे मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, अभी तक है ये, इसका मतलब ये ठीक है, ख़राब नहीं है, ये टूटेगी नहीं, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो काफ़ी ये लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइस वगैरह इसकी भी ड्रॉप हुई है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। केक के बैटर के लिए मस्ट बाई है, कितना बैटर क्योंकि किस तरह से बनाना होता है उसे मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मेरे पास है ये नोज़ल्स, जिसे मैंने डेकोरेटिंग के पर्पज़ से मंगाया था जिसे यूज़ करने के लिए। उसके साथ ही मुझे ये मिला था पाइपिंग का एक बैग, और साथ ही साथ मुझे इसमें अलग अलग इस तरह के नोज़ल्स मिले हुए हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आप पाइपिंग बैग में इस तरह से लगा होता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ से, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ लगा करके। आपको लगाया मिलेगा, लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये मैंने क्लीन किया था इस वजह से निकाल करके इसे, इसलिए निकला हुआ है ये।
इसके बाद आपको जो भी शेप का आपको नोज़ल लगाना हो वो आप इसके अंदर लगाइए और इसे आप इसके ऊपर फिट कर दीजिए इस तरह से। ये रेडी हो चुका है यूज़ के लिए। आप इसमें अपनी फ्रॉस्टिंग डालिए और इसे इस तरह से जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग डिज़ाइन के शेप के मुझे नोज़ल मिले थे। आप ये एक इस तरह से है, एक ये है, ये है, एक मैंने इसमें लगा दिया है। ये 12 पीस का सेट था। ये है, इससे आप अलग अलग तरह के जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वैसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें से नोज़ल सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसके डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। तो एक बिगिनर के लिए 12 पीसेस बहुत है क्योंकि इतना ज़्यादा हमें यूज़ करने तो आता नहीं है। एक बिगिनर को तो जो भी नॉर्मली आप यूज़ कर सकते वो वाली आप यूज़ कर लें इसमें। इसके बाद है ये विस्कर। अगर आपके पास वो बीटिंग मशीन नहीं है तो आप ऐसे जनरली विस्क करने के लिए बैटर को ये विस्कर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे ले सकते हैं वहाँ से जा कर के। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ये मोल्ड्स। बिना इनके बेकिंग तो हो नहीं सकती है। जिसे प्रॉपर सेट जो साइज़ और शेप होता है वो मिल जाता है आपको। ये 8 इंच का है, ये 7 इंच का है और ये 6 इंच का है। तो जो भी साइज़ का आप केक बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप मोल्ड यूज़ कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला यूज़ किया है, छोटा वाला, इस वजह से इसका रैप पर नहीं इसमें लगा हुआ है। क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, आप देख रहे हैं मैं पीछे से ऐसे प्रेस कर रही हूँ बट ये कोई भी आवाज़ नहीं हो रही ना यहाँ से निकल रहा है। बहुत ही मज़बूत है ये, बहुत अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकती हैं। इसमें अलग अलग शेप्स आपको मिल जाते हैं, हार्ट शेप मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है, रेक्टेंगल मिल जाता है, तो जो शेप आपको पसंद है आप वो ले सकती हैं। मुझे राउंड शेप लेना था, मैंने राउंड ले लिया। एक मैं स्क्वायर शेप का और देख रही हूँ, अगर कोई भी मुझे अफोर्डेबल रेंज में स्क्वायर शेप का मिल जाता है तो मैं वो भी लूँगी और उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है और मज़बूत है, इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये, आप इसे ज़रूर से ले सकती हैं अगर आप बेकिंग लवर हैं तो। इसके बाद है मेरे पास ये टर्निंग टेबल्स। ये टर्निंग टेबल के साथ मुझे रिसीव हुआ है ये। अभी मैंने ये टर्निंग टेबल यूज़ नहीं किया है, ये मैंने जल्दी ही मंगाया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये केक के एजेस पे जो ऐसे डिज़ाइंस बनी होती हैं अलग अलग शेप की, ऐसे साइड साइड्स में जो बनी होती है वो इन्हीं से हम बनाते हैं। इस तरह से इसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं जो साइड्स में ऐसे होते हैं। तो आपको ये 4 को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये मुझे रिसीव हुआ है टर्निंग टेबल के साथ ही। तो जो ये टर्निंग टेबल है आप अलग से लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है और साथ में कॉम्बो में मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि अलग से जितना मैंने इसके लिए इस टर्निंग टेबल के लिए पे किया है उतना तो अलग से इस शायद स्क्रैपर बोलते हैं ये क्या इसका प्राइस है। अब मैं आपको बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये मुझे ओनली 150 में रिसीव हुआ है, ये 150 अंडर 150 और उससे कम का ही है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है बट ये अंडर 150 का ही मुझे रिसीव हुआ है। इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, यहाँ से ऐसे टर्न होता है, इसके ऊपर आप अपना केक रख के डेकोरेट करके आप वैसे ही आप इसको प्रेजेंटेशन या सर्विंग के लिए भी आप इस तरह के टेबल्स को यूज़ करते हैं और आप अपने केक के डेकोरेशन के लिए भी इसे स्मूथली डेकोरेट हो जाता है। इसके ऊपर आप अपना केक रखिए और जो फ्रॉस्टिंग है डालते जाइए, ऐसे टर्न करते जाइए और शेप देते जाइए। तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ और ईजी टू डेकोरेट करने के लिए हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपको सेम प्राइस में ये स्क्रैपर भी मिल जाता है तो और भी अच्छी बात हो जाती है कि आपको फ्री मिल जाता है, अलग से आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी मैं बनाऊंगी केक तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ होते हैं ताकि
वो भी आपको एक यूज़फुल वीडियो मिल जाएगा आपके बेकिंग के लिए। तो आपको अगर आज का प्रोडक्ट्स पसंद आया हो, आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उन सारे के प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहाँ से क्लिक करके जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप वहाँ से जा करके बाय कर सकती हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो हेल्पफुल है तो उसे आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।